लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना महामारी का इतना घातक असर समाज पर पड़ा है कि अब लोग हर तरीके के रीति रिवाज भी कम से कम लोगों में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में पुलिस और कोरोना योद्धाओं के बारे में सोचते हुए भी अपनी शादी के खर्चे का उपयोग कैसे किया जाए इस बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य इंदौर के जानकी नगर के रहने वाले छजलानी परिवार का सामने आया है, जिन्होंने अपनी शादी के खर्च में 60,000 के पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क पुलिस विभाग को दिए हैं। दरअसल 6 मई को छजलानी परिवार के पुत्र सुनील छजलानी का विवाह था। कोरोना के चलते सभी प्रकार के खर्चों में कटौती करते हुए सीमित लोगों के बीच छजलानी परिवार ने शादी की और बचे हुए पैसे को इस विकट परिस्थिति में पूर्णा योद्धाओं की सुरक्षा में लगाने का फैसला लिया। इसके तहत उन्होंने पुलिस के लिए पूरी किट तैयार करवाई और एडिशनल एसपी महेश जैन को सौंपी। एएसपी महेश चंद्र जैन का कहना है कि जब आम जनता के द्वारा इस प्रकार से पुलिस विभाग को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए जाते हैं तो उन्हें ड्यूटी करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कुछ ना कुछ मानव सेवा करनी है, आप आज अपन खर्चा बचा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक अच्छी मानव सेवा करनी है और ये समय है मानव सेवा करने का, तो हम क्यों इसमें पीछे हटे। अच्छा, तो कितनी क्या जो बचत हुई थी उससे आपने पीपी किट बनवाई है? सर, इसमें करीब करीब 100 पीपी किट है, 100 मास्क है और 100 सैनिटाइजर की बॉटल्स है। कौन सी राशि से बचत हुई थी, मतलब आपने कुछ की जेब से थी या मतलब कुछ शादी से, कुछ आपने अलग हटके कुछ? तो शादी का जो बचा था उसमें से कुछ उसका कुछ इधर खर्चा ना करते हुए इधर। हाँ, अच्छा। कल शादी थी, कल शादी में जो बचत हुई थी लगभग 60,000 की सामग्री, जिसमें 100 पीपीई किट है और मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है 100-100 के लगभग। तो ये इन्होंने जो शादी से पैसे की बचत हुई उस बचत को इनसे बहुत अच्छी जगह उपयोग किया है और इनकी मंशा है कि हमारे जो मीडियाकर्मी हैं वो मीडियाकर्मी जो आज सड़क पर घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हमको घर बैठे खबरें दे रहे हैं, तो उनके साथ के उनको मीडिया को भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये पीपी किट जो बांटे जा रहे हैं ये मीडिया की सुरक्षा के लिए, सैनिटाइजर है, मास्क है। तो हमारा मीडिया बंदियों से अनुरोध है कि ऐसे हमारे भाई का अनुमोदन करें और इनको आप लोगों के माध्यम से इनको शाबाशी और आशीर्वाद दें इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।